अल्लाह की नियामतें हमारे साथ में हैं। ये नियामत अगर ना होती तो कितना काम इजी है हमारा। ये सब किसकी वजह से काम इजी? पानी ऐसा उठा के पी लेते हैं, आँख से किधर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, किधर भी हो रहा है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, उसकी नियामतों में से नियामतें हैं। और जो इस नियामतों को नहीं समझता, जो इंसान इस नियामतों को नहीं समझता, वो इंसान ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता। हम लोग क्या देखे थे पहले? सबसे पहले हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है? हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी करना है, सबसे बड़ा मकसद है। इंसान आया ही दुनिया में कि वो अपने रब को राज़ी कर दे, ना तो कोई मतलब ही नहीं है ज़िंदगी का। तो तुम जिस नियामतों को अल्लाह ने दिया है उस नियामतों की तुम कदर नहीं करोगे, और जिसने दिया है उसका शुक्र अदा नहीं करोगे, तो क्या होगा? तुम इसको कहीं और इस्तेमाल करोगे, किसी और काम के लिए इस्तेमाल करोगे। तो सोचो कि ये नियामतें किसने हमको दिए? किसने दिए हमको? अपने रब ने दिए। इसलिए जब एक सूरह हम लोग पढ़ते हैं अक्सर, कौन सी सूरह पढ़ते हैं नमाज में? सब में ज़्यादा सूरह कौन सी पढ़ते हैं? सूरह फातिहा। टोटल नमाज में, फ़र्ज़ नमाज में टोटल कितनी बार पढ़ी जाती है? पूरी पूरे दिन में, पूरे दिन में अभी काउंट कर रहे हैं, अभी तक मालूम नहीं कितनी बार पढ़ी जाती है, अभी सब काउंट कर रहे हैं कितना है, कितने बार? 17 times। 17 times से सूरह पढ़ी जाती है, कितने टाइम्स? 17 times। एक इंसान जब 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? सबसे पहले क्या बोलता है? सबसे सूरह फातिहा में सबसे पहले क्या आया था? नहीं, सूरह फातिहा की आउज़ बिल्लाह ही तो वो अपनी है, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब है? क्या मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का? क्या मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह का? मतलब क्या? अलहमद हमद हमद है वो हमद। वो तो बिस्मिल्लाह रहमान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम हो गया। ये हमद है, हमद हम मतलब अलहमद मतलब खास तारीफ, सब तारीफ, सारी तारीफ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान होने आया है। ये क्यों बोलते हैं हम लोग? अल्लाह की, अल्लाह ने क्यों हमको ये पढ़ने के लिए बोला 17 times 17 times? क्यों अल्लाह सुबहान व तआला ने ये पढ़ने के लिए आपको कहा है? अल्लाह के अपनी तारीफ का मोहताज है? अल्लाह चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए? इसमें हमारा फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, शैतान की शर से बचने का फ़ायदा है। कैसे बताओ मेरे को, टेल मी। 17 बार आपको अल्लाह ने सुबहानो ताला ने एक चीज़ बताई कि अल्लाह की तारीफ़ करो। अरे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ जितनी भी दुनिया में कहीं पर भी किसी तरीके की भी जो भी तारीफ़ है, वो तारीफ़ किसके लिए है? अल्लाह के लिए, जो तमाम कायनात का रब। कोई भी कायनात, कोई भी जहाँ पे भी ज़िंदगी है, जो भी चीज़ जिधर भी है, दुनिया में हो, दुनिया के बाहर, वो कहीं भी जो हमको नज़र नहीं आ रही है, अगर उसका क्रिएशन है, वो पैदा की गई है, तो उसका पैदा करने वाला कौन है? हम नहीं जानते कहाँ है किधर। तो ये 17 बार हम लोग अल्लाह की तारीफ़ क्यों करते हैं? कौन बता सकता है क्यों करते हैं हम लोग 17 बार अल्लाह की तारीफ? हकीकत में अल्लाह तारीफ़ के काबिल है, लेकिन अल्लाह ने जब इंसान को बताया कि मेरी तारीफ़ कर, तो उसमें इंसान का ही फ़ायदा है, इंसान का ही फ़ायदा है। अल्लाह को अल्लाह किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, तो क्या फ़ायदा है इंसान का? क्यों फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है इंसान का बता? क्या फ़ायदा? अल्लाह तो राज़ी हो जाएगा, सबसे बड़ा फ़ायदा है, लेकिन दूसरा फ़ायदा क्या है? शिर्क, शैतान के शर से कैसा बचेंगे हम लोग? वो क्या शर है शैतान का? बराबर बोले आप, वो शर है, एक शर होता है शैतान का, वो शर आता है हमारे में, वो कौन सा शर है? कौन सा शर है वो? बराबर बोले आपने, वो शर है, शर के शैतान के शर से बचना है हमको। वो कौन सा शर है? कौन सा शर है वो? वो शर है मैं वाला, मैंने किया। शर कौन सा है? मैंने किया, मैंने इतना काम किया, मैंने ये बनाया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, है ना? वो फकर वाला शर है, वो घमंड वाला शर है। एक घमंड इंसान के अंदर आता है, एक फकर इंसान के आता है अंदर, और फिर वो क्या बोलना चलता है, वो क्या बोलना शुरू कर देता है? ये तो मैंने किया, ये तो मेरी तरकीब थी, ये मेरा एजुकेशन था, ये मेरा नॉलेज था कि मैंने ऐसा करके दिखाया लोगों को। अल्लाह बता बेटा, तूने कौन सी आँख यूज़ किया, कौन सा तूने कान यूज़ किया,
کون سی زبان تو نے یوز کیا, تو نے جو بھی بنایا, جو بھی تو نے ترقی کی, تو یہ تو میرے بندے, تو میرے کو یہ تو بتا دے کہ کس زبان سے تو نے بولا, وہ کس نے تیرے کو دیا, جس آنکھ سے تو نے دیکھا, جس آنکھ سے تو نے پڑھا, وہ آنکھ تیرے کو کس نے دی, جس پیر سے تو چل کے گیا وہ پیر تیرے کو کس نے دیے. اچھا سب سے بڑی بات, جس دماغ سے تو نے سوچا وہ دماغ تیرے پاس کدھر سے آیا. اس کے بعد جس دماغ کو علم نے کنٹرول کیا, جس دماغ پہ وہ علم ڈالا گیا, وہ علم تیرے پاس کدھر سے آیا. اگر یہ سب نہیں دیتا تو کرتا تھا, اس میں سے بولے ایک چیز صرف نہیں دیتا نا میں تیرے کو, تو تیری ساری زندگی تکلیف میں چلی جاتی. ایک یا دو چیز, اگر میں تیرے کو آنکھ نہیں دیتا اور تیرے کو کان نہیں دیتا تو بتا کون سی ترقی کر کے تو دکھاتا. کرتا انسان ترقی, اپنے کان بند کر دو, اپنے آنکھیں بند کر دو, اور بتاؤ کون سا ریسرچ کر کے دکھاتے. کرو, چلو ریسرچ کرو, مارکس لو, پرسنٹیج لو, اپنے گولز پورے کرو, کر کے دکھاؤ. کرو گے, پوسیبل ہے. تو بولے اتنا فخر تم کو کدھر سے آیا, یہ گھمنڈ تم کو کدھر سے آیا, یہ شیطان ہے. جب شیطان بتاتے تو ہے, تو یہ تیرا کمال ہے, یہ تو نے کیا ہے, یہ شیطان کا شر ہے. بندے کو اس لیے اللہ نے کیا سکھایا ہے, ہر جگہ ایک دعا سکھائی ہے, سبحان اللہ الحمدللہ, ہے نا. جب بھی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ساری تاریخ ذات پاک کس کی ہے, اللہ کی, فوراً ہم بول دیتے ماشاء اللہ. کیوں بولتے ماشاء اللہ, کوئی خوبصورت چیز کو دیکھ کے, کوئی اچھی چیز کو دیکھ کے کیا بولتے ہم لوگ, کیوں بولتے ماشاء اللہ. صرف اللہ نے بول دیا دعا کر کے, لیکن اس میں ایک فیل کرو, دعا کو فیل کرو, احساس آنا چاہیے اس دعا کا, دعا اندر اتر دینا چاہیے, ایک ورڈ اتر جانا چاہیے اندر. ماشاء اللہ مطلب کیا ہے, یہ اللہ نے کیا ہے, ہماری کیا حیثیت تھی کہ ہم یہ کر سکتے تھے. الحمدللہ, تعریف اللہ کی, سبحان اللہ. جب کوئی ایک بڑا کام کرتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, ایک دم صاف ستھرا کام کرتا ہے, تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک, ہم کیا ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو جب یہ ورڈز آپ بولتے ہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, اللہ اکبر, جب ہم یہ ورڈز بولتے جاتے تو شر جو شیطان کا ہے نا, وہ کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے. شیطان کا شر کیا ہوتا ہے, کمزور. یہ وہ کیا بولتے اس کو, وہ ایک طرح سے ایک پتھر ہے وہ, جو شیطان کو مارا جاتا ہے, اور شیطان اس سے کیا ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے. جب شیطان آپ کو شر لے کے آتا ہے, آپ کو فخر دلانے کی کوشش کر دیتا ہے, سمجھے, آپ کی کوئی تعریف کر دیتا ہے, آپ فوراً بول دیتے ہو کیا, الحمدللہ, ختم ہو گیا, وہ فیل ہو گیا. کوئی اچھی چیز دیکھتے بولتے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے, ماشاء اللہ, یہ اللہ کا کریشن ہے. تو یہ سارے ورڈ شیطان کو دل پہ پڑتے ہیں, شیطان کے دل کے جا کے, شیطان کے دل پہ لگتے جا کے وزنی محسوس کرتا ہے, وہ ہار محسوس کرتا ہے جب بندہ کیا بولتا ہے, ان ورڈس کو بولتا ہے, جزاک اللہ خیر. بولتے کہ نہیں بولتے, کسی نے آپ کو چیز دیا, آپ اس کا شکر کسے ادا کرتے ہو, اس کا شکر نہیں ادا کرتے ہو, وہ دینے کا ذریعہ تھا, لیکن دینے والا کون تھا, اگر اللہ نہ دیتا تو بندہ تم کو دیتا, دیتا بندہ تم کو, کیسا اللہ کا شیطان وہاں پہ ہار جاتا ہے. بولے میں نے تو بندے کی تعریف کرانے کے لیے اس بندے کو سامنے لے کے آیا تھا, تاکہ بولے یہ میرا دینے والا ہے, لیکن بندے نے میری بات کو ہی پورا پلٹا دیا, سیدھا بول دیا کیا, اللہ اس کا خیر تم کو ادا کرے. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی ہے اور اتنی وزنی ہے, کبھی ہم نے اس کو اٹھا کے کوشش نہیں کی دیکھنے کے اس کا وزن کیا ہے. دیکھیے کبھی سوچے اس کے بارے میں, یہ شیطان, یہ ساری دعائیں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, یہ شیطان پہ وار ہے اللہ کا. بولے تو میرے بندے کو کبھی کمزور نہیں کر سکتا, تیری ہمت نے بولے تو میرے اپنے بندے کو کمزور کر کے دکھانے کی, کہ وہ بندے کو علم میں دے رہا ہوں, وہ باتیں میں دے رہا ہوں, تو پہنچے گا اور ایک مار سے, ایک چھوٹی سے مار سے, ایک چھوٹے سے پتھر سے وہ تیرے کو پھینک دے گا پیچھے,
तेरे में क्या है, बोले तो कमज़ोर है। लेकिन जब बंदा इन चीज़ों से दूर हो जाता है तो शैतान मजबूत हो जाता है। जब शैतान बंदा समझता है इसकी अहमियत नहीं है तो शैतान के पंजे में वो आ जाता है और वो फिर क्या हो जाता है, मजबूत होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। और फिर हमको ये है शैतान का प्लान जो है ना, अल्लाह कुरान में बताता है शैतान का प्लान कमज़ोर प्लान है, बहुत कमज़ोर है। लेकिन हमारी बेवकूफ़ी है जिस प्लान को हम इतना मजबूत कर देते हैं कि वो हम पे असर करना शुरू कर देता है। तो अगर वो प्लान कब कमज़ोर होगा, इन छोटी छोटी चीज़ों को तुम अपने ज़िंदगी में उतारोगे, अपनाओगे। तुम सोचो ना, शैतान आया अभी तुमको फ़ख्र दिला रहा है कि मैंने देखो क्या बनाया हूँ, क्या लेटर लिखा हूँ मैंने, क्या मैंने डिज़ाइन किया हूँ। सडनली अब वो नहीं बोलते हो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान सुन पाएगा इसको, अल्लाह की तारीफ सुन पाएगा? शीशे की तरह बोलते पिघले हुए शीशे की तरह उसके कान बजना शुरू हो जाएंगे, छिड़ जाएगा वो बोले। तो मेरा अल्लाह ने बताया कि तू मेरे बंदे को जो मैंने इल्म दिया है तेरी हिम्मत नहीं है बोले तो बंदे के करीब भी जा सकेगा, लेकिन ये मेरे बंदे की कमज़ोरी है, तो इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझता, इग्नोर कर दिया बोले सब चीज़ों को उसने हटा दिया। वो दुनिया में इतना बिजी हो गया, दुनिया के एजुकेशन में इतना बिजी हुआ, वो समझता नहीं है कि 70 साल की ज़िंदगी 60 साल की ज़िंदगी में सब छोड़ के जाने वाला है। अभी हम लोग किए थे ना, सब इधर छोड़ के जाएगा, जो ले के जाने वाला है वो उसको पता नहीं। तो शैतान ने उसको दुनिया में इतना बिजी कर दिया, दुनिया के एजुकेशन में इतना बिजी कर दिया कि ये सब छोटी छोटी चीज़ों को उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो इसको इग्नोर मत करो, शैतान तुम्हारे चारों तरफ घूमता है, हर तरफ से बोले मैं अटैक करूँगा, राइट से लेफ्ट से आगे से पीछे से हर तरफ से उस पर अटैक करूँगा। क्या बोला अल्लाह कुरान में बात है, कुरान की आयत है कि चारों तरफ से बोले मैं तेरे बंदे पर अटैक करूँगा, वेट करूँगा कि किस डायरेक्शन में उसके पांच पूछ सकता हूँ मैं, कौन से डायरेक्शन से वो मेरे को मिलेगा, राइट से मिलेगा लेफ्ट से मिलेगा या सामने से मिलेगा या पीछे से मिलेगा। और सारे डायरेक्शन बंद करने के लिए जब इंसान दुआएं मांगना शुरू करता है, शैतान की पनाह मांगना शुरू करता है, तो सारे किसी भी डायरेक्शन से आने दो उसको, उसको गेट कीपर है उधर, वहाँ पे सब वॉचमैन खड़े हैं, सब सारे लोग खड़े हैं उधर, उसको आने को ही नहीं देंगे अंदर, सारे ये गार्ड्स हैं जो तुमको गार्ड कर रहे हैं, सारे गार्ड्स खड़े हो, किधर से भी इन नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। ये पर्पज़ ऑफ लाइफ, मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट हमारा लेक्चर कैसे शुरू हुआ, हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। जब बंदा अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता है उसको पूछा जाए और उसको एक घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट लग जाए बोलने के लिए कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो फिर अफसोस की बात नहीं है, एक सेकंड नहीं लगना चाहिए, एक सेकंड। मैं अपनी ज़िंदगी से चाहता हूँ कि मैं अपने रब को राज़ी करूँ, सबसे पहला मकसद मेरी ज़िंदगी का, मेरे दुनिया में आने का सबसे पहला मकसद, सबसे मेरी पहली चाहत यह है कि मैं उसको राज़ी करूँ जिसने मुझको ज़िंदगी दी, जिसने मुझको ये जिस्म दिया, जिसने मुझको आँखें दी, जिसने मुझको पैर दिए, उस रब को मैं राज़ी करूँ, है ना। फिर ये हमारा मकसद है। फिर चूंकि अल्लाह ने शैतान की ये परी, हमारे शैतान क्यों है, कहाँ से आया, ये क्यों ऐसा वो कर रहा है, ये नॉलेज हमको बहुत ज़रूरी है। ये शैतान शैतान हम लोग चिल्ला रहे शैतान है शैतान है, तो शैतान के पीछे एक हिस्ट्री क्या है, कौन था शैतान, क्या शैतान ने किया था, शैतान को भी जो गुमराह किया, शैतान जो गुमराह, वो किस बात से गुमराह हुआ, गुरूर। अल्हम्दुलिल्लाह आया ना उधर, उसने अल्हम्दुलिल्लाह ने बोला गुरूर किया, तो ये नहीं सोचा कि अल्लाह ने जो बोला है उसमें कुछ मसलियत है, उस पर गुरूर आ गया, उस पर फ़कर आ गया, और उस गुरूर ने उस फ़कर ने उसको जन्नत से निकलवा दिया, समझे। आज भी वो अल्लाह से डरता है, वो बोलता है अल्लाह अगर मेरे को ज़रा भी रोक लेगा तो मैं रुक जाऊँगा, ये छोटी छोटी तो रोक रही है उसको, लेकिन बोलते बंदे को इतना बोला, तेरा बंदा जो तूने पैदा किया मुझको बहुत कमज़ोर नज़र आता है, एकदम वीक है वो, वाइफ है बोले वो, एकदम कमज़ोर है, इसको ऐसा पकड़ के मैं घुमा डालूँगा, मेरे 5 मिनट का खेल है इसको घुमाने का। लेकिन अल्लाह ने भी बोला नहीं,
हो सकता है मेजॉरिटी ऐसी हो, लेकिन कुछ मेरे बंदे तेरे को ऐसे मिलेंगे तो कुछ नहीं कर सकता उनका, तो कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता बोले तू, तो हार जाएगा। और वो बंदे कौन से हैं जो हर बात में हर वक्त अल्लाह को याद करते, अल्लाह से डरते, और ये मालूम है उनको ज़िंदगी किसकी दी हुई है? अल्लाह की दी हुई है। इसका मालिक कौन है? अल्लाह है। तो उस पर उसका असर नहीं करेगा। तो हमको दीन के साथ में, दुनिया के साथ में हमारा पहला मकसद भूलना नहीं चाहिए, ना तो दुनिया भूल भुलैया है। भूल भुलैया किसको बोलते हैं मालूम? तुमको रास्ता भटका देगी, ये वो दुनिया है। तुमको किधर से कौन से दरवाजे से शैतान निकल के किधर छोड़ देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तरह से भूल भुलैया इतनी बड़ी भूल भुलैया है कि इसमें इंसान अगर आ गया और अल्लाह का गाइडेंस उसने छोड़ दिया तो वो किधर भटक के किधर से निकलेगा और किधर जाएगा वो अल्लाह ही बेटर जानता है। और जब अल्लाह का गाइडेंस पकड़ोगे, अल्लाह की रोशनी को पकड़ोगे, तो कितनी भी बड़ी भूल भुलैया क्यों नहीं होती। जैसा अभी कितनी स्मार्टली, पर नाम क्या है? मरियम। कितना स्मार्टली मरियम ने यहाँ से निकलते वहां जाके पकड़ लिया, कितना स्मार्टली पकड़ा गया, नहीं पकड़ा। तो कुछ ना कुछ एक इल्म था, एक नॉलेज था उसके पीछे, उसने अंडरस्टैंड किया। वही मैं आपको बताना चाहता था कि जब मैंने उसको बोला तुम देखो, गौर से देखो कौन किधर बैठा है, बोला ना मैंने आपको कहाँ कौन बैठा है। और मैंने मिसगाइड करने की भी कोशिश किया, क्या कहने किया, आपको उठाया फिर बिठाया, तो मिसगाइड करने की कोशिश किया। लेकिन जब इंसान के पास नॉलेज परफेक्ट होता है, वो प्रॉपर सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन किधर बैठा हुआ है, और फिर वो अपने नॉलेज को पकड़ता है, तो कोई भी आँख बंद में भी वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये होता है गाइडेंस, आप समझे। तो इंशाल्लाह आपको ये करना ज़रूरी है। सो विल यू डू विद अस और नॉट? तो हम चाहेंगे कि हम दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बने, समझे। हमको आप लोगों को यहाँ से एक एग्जाम्पल लेके सेट करके जाना है कि एक जगह हम लोग गए जहाँ हमको दुनिया भी थी और आखिरत भी था। हमने कंप्यूटर भी ऐसा सीखा कि अभी हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है इंशाअल्लाह। लेकिन ये सुभान अल्लाह के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ बोलना, नहीं तो बोले मैंने ऐसा सीखा अभी कोई नहीं है, बोले सर ने एक तरफ से ये बोला दूसरी तरफ से ये बोल दिया। नहीं, हम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कंप्यूटर अल्लाह ने हमको सिखवाया, क्या बोलना चाहिए, अल्लाह ने ऐसा कंप्यूटर हमको सिखवाया इंशाल्लाह हम आप कोई भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर में इंशाल्लाह इजीली हैंडल कर सकते हैं। और इसके बाद भी अल्लाह हमको ये एजुकेशन, हमारी लैंग्वेज अल्लाह ने इतनी अच्छी बनवा दी, इतना अच्छी हमारी लैंग्वेज बन गई, इतनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन बन गई, आज हमारे सारे काम क्या हो गए, आसान हो गए। और जब लोग तुमको देखे रास्ते में, एक नॉन मुस्लिम आदमी देखे, समझे, तो उसको भी ऐसा एहसास होना चाहिए कि हर बात में अल्लाह अल्लाह क्यों करता है। देखता है मेरी दुकान में आया नॉन मुस्लिम है, सामान देख रहा है माशाअल्लाह, तो नॉन मुस्लिम से क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और वो आपको एक चीज़ दे रहे, अब उसको बोले जज़ाकअल्लाह, तो क्या बोले आपने, फिर आप उसको एक्सप्लेन करो, ये आप मेरे को नहीं दे सकते थे अगर ऊपर वाला नहीं देता तो, आप नहीं चाहता तो देखो कितना इम्प्रेस हो जाएगा। तो बोलेगा माशाअल्लाह, तो भी देखेगा बोलेगा माशाअल्लाह, कितनी प्यार से आप उसको अपने दावत दोगे इस्लाम की। ये चीज़ें हम नहीं करते, हम ऐसे ही इग्नोर कर देते जाके। जब ये बोलोगे तो इंशाल्लाह तुम देखोगे कैसे लोग तुम्हारे करीब आना शुरू हो जाएंगे, तुमको इज्जत मिलती है, तुमको रिस्पेक्ट मिलती है, लोग तुमसे चाहना शुरू करेंगे। दुनिया में तुमको अल्लाह दुनिया में भी इज्जत दिलवाएगा और आखिरत में भी इज्जत दिलाएगा। याद रखना ये ज़िंदगी, तो हमको ऐसा बनना ज़रूरी है। ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी हम लोग करेंगे, दुनियावी भी और दीनी आखिरत के भी कॉम्पिटिशन्स करेंगे।